हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद और आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट। और बीए पार्ट फर्स्ट सेक्शन वी, सेक्शन वी के अंतर्गत तो हमारा जो टॉपिक है वो है कास्ट, जाति। कि जाति क्या है, जाति की परिभाषा, जाति की विशेषता, जाति का अर्थ और साथ ही जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कार्य। तो आज के वीडियो पर तरह हम बात करते हैं कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत तो वे कौन से कारक हैं जो परिवर्तन ला रहे हैं, अर्थात जाति व्यवस्था समाप्त तो हो रही है या इसका प्रभाव कम पड़ रहा है, ये कौन से कारक हैं, ये कौन सी शक्तियां हैं जिनकी वजह से भारतीय समाज के अंतर्गत जाति व्यवस्था का प्रभाव कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। यदि और बात करें कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है तो ये कारक सबसे पहला है पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब होता है हमारे पश्चिम के देशों की शिक्षा से, और पश्चिम के देश वे जो विकसित देश हैं, जो भारत के पश्चिम में हैं, जो बहुत समय पहले से विकसित अवस्था में हैं, उन देशों का प्रभाव जब अन्य विकासशील या अर्ध विकसित देशों पर पड़ता है और उसके बाद में जो परिवर्तन आता है तो हम उसको कहते हैं पाश्चात्य शिक्षा। और वैसे भी शिक्षा का जो विकास पश्चिम के देशों से आया। बात करते हैं कि सन 1835 के अंतर्गत ब्रिटिश शिक्षा का जो विकास भारत में लॉर्ड मैकॉले द्वारा किया गया, लॉर्ड मैकॉले के द्वारा 1835 के अंतर्गत, और तभी से भारत में शिक्षा का विस्तार निरंतर तीव्र गति से हो रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पश्चिम के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में तो परिवर्तन आया, लेकिन साथ साथ अनेक क्षेत्रों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा ने हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत जाति व्यवस्था को कमजोर किया। दूसरा टॉपिक है औद्योगिकरण। इस औद्योगिकरण का प्रभाव भी हमारे विकसित देशों से है, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड, जापान इत्यादि, अर्थात ये अपने देश से बहुत आगे हैं, विकसित हैं। इनका प्रभाव या औद्योगों का विकास का प्रभाव अन्य देशों पर, उस वजह से भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन आया। औद्योगिकरण का मतलब यह है कि अधिक से अधिक औद्योगिक स्थापित करना, कल कारखाने लगाना, स्थापित करना। जब अधिक से अधिक उद्योग होंगे तो उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। मजदूरों की आवश्यकता में वहां पर जाति विशेष को महत्व ना देकर व्यक्ति के कार्य योग्यता क्षमता को महत्व दिया जाता है उद्योगों के अंतर्गत, तब एक ही उद्योग के अंतर्गत, एक ही कारखाने के अंतर्गत जब तमाम जातियों के लोग, सभी वर्ग के लोग एक साथ काम करते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसके कारण भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया, अर्थात जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। तो औद्योगिकरण भी जाति व्यवस्था परिवर्तन लाने वाले में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। पाश्चात्य शिक्षा तो रही है, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के बाद भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में औद्योगिकरण का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके साथ साथ है तीसरा जो पॉइंट है वो नगरीकरण। कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था परिवर्तन लाने वाले कारकों में पाश्चात्य शिक्षा पहला टॉपिक अंतर, दूसरा है औद्योगिकरण, और तीसरा जो कारक रहा है वो नगरीकरण। नगरीकरण भी औद्योगिकरण का ही एक प्रभाव है, अर्थात औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने नगरीकरण का विकास किया। और नगरीकरण का अर्थ होता है जब गांव के लोग गांव छोड़कर जब नगरों में जाते हैं और नगरीय संस्कृति को अपनाते हैं और ग्रामीण संस्कृति को छोड़ते हैं, तो उस प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं।
गांव की तुलना में नगर अधिक विकसित होते हैं, शिक्षा का प्रभाव औद्योगिकरण अन्य के कारण वहां पर जाति का प्रभाव कम देखने को मिलता है, क्योंकि नगरों में बहुसंख्यक लोग निवास करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, इसलिए वहां पर सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो यहाँ पर भी नगरी करने में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को कमजोर किया है, अर्थात जाति व्यवस्था में परिवर्तन किया है नगरीकरण के कारण। तीसरा है यातायात के साधन। यातायात के साधनों का विकास भी हमारे पाश्चात्य शिक्षा ब्रिटिश लोगों का है कि ब्रिटिश लोगों ने भारतीय समाज पर करीबन 150 वर्षों के द्वारा जो शासन काल किया था उसके द्वारा जो परिवर्तन आया है, और यातायात के साधन भी अंग्रेजों की ही देन है। उन्होंने अपनी सुविधा को सरल बनाने के लिए माल आयात निर्यात के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंग्रेज लोग व्यापारी लोग जाने के लिए साधनों का विकास किया है, यातायात के साधनों का विकास। लेकिन इसका प्रभाव भारतीय पर भी पड़ा है, जिसके कारण भारतीय समाज के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से आ जा सकें, इससे जाति व्यवस्था कमजोर होती है। तीसरा संचार के साधन, जिसमें मीडिया महत्वपूर्ण है, यह सरकार का चौथा अंग है जिसके द्वारा भी हमारे भारतीय समाज में परिवर्तन टेलीविजन रेडियो इंटरनेट इत्यादि के द्वारा भी भारतीय समाज के अंतर्गत जाति व्यवस्था परिवर्तन न आया। यातायात संचार के साधन जाति व्यवस्था को कमजोर करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रजातंत्र राजतंत्र से शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है, लेकिन प्रजातंत्र की शक्ति जनता के हाथ में होती है, और जनता स्वयं अपना इच्छा के अनुसार राजा का चयन करना ही लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। जिस जनता को जो व्यक्ति अच्छा लगता है, जो राजा अच्छा लगता है, उसका चयन करते हैं। इसमें हमारी समानता का अधिकार है। इस वोट बैंक ने हमारे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को कमजोर किया है कि प्रजातंत्र में व्यक्ति को जीतने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करना पड़ता है, जिसमें जाति और धर्म को भूल कर सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया जाए। ऐसी स्थिति में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। जब राजतंत्र था तब जाति व्यवस्था मजबूत थी कि शक्ति बगैर ही निर्णय के बगैर सोचे विचारे एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति हुआ करती थी, लेकिन आजादी के बाद राजतंत्र के बाद प्रजातंत्र की स्थापना हुई। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपना नेता चुन सकता है, जिसकी वजह से इस वोट बैंक ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करना पड़ता है वक्त पर, और संपर्क करने के लिए व्यक्ति को अपने व्यवहारशील भी होना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ने सब कुछ जाति व्यवस्था को छोड़कर और व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया गया है, जिससे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। धन का बढ़ता महत्व आधुनिक युग में व्यक्ति को अपनी गुण योग्यता क्षमता को महत्व दिया जाता है। हर व्यक्ति अपनी इस युग में एक पहचान अलग पहचान बनाना चाहता है, अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, वो भी वैध तरीके से। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जाति को महत्व ना देकर व्यक्ति गुण और धन को महत्व दिया जाता है। यजमानी प्रथा राजतंत्र के अंतर्गत तो यजमानी प्रथा थी, यजमान उच्च वर्ग के व्यक्ति हुआ करते थे और दूसरा जो पक्ष था कमीन वो निम्न वर्ग के होते थे। यजमान व्यवस्था के अंतर्गत मजदूर निम्न स्तर के लोग यजमानों की निःशुल्क सेवाएं किया करते थे, उनके लिए केवल अपनी जरूरत की आवश्यकता की वस्तु ही प्राप्त होती थी, अर्थात निःशुल्क रूप से सेवा करना ही यजमानी व्यवस्था थी। जब वहां वस्तु विनियम व्यवस्था थी, लेकिन वस्तु विनियम के बाद मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन हुआ तो यजमानी प्रथा धीरे धीरे समाप्त होती चले गई। सन 1976 के अंतर्गत यजमानी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की निःशुल्क सेवा करना अपराध माना गया।
लेकिन इस मुद्रा व्यवस्था ने जर्मनी प्रस्ताव के साथ साथ व्यक्ति को स्वतंत्र किया है, जिस व्यक्ति काम के बदले मुद्रा का प्रयोग करता है। इससे जाति व्यवस्था भारतीय समाज में कमजोर हुई है। संयुक्त परिवार भारत के अधिकांश जनसंख्या कृषि या कृषि संबंधित कार्य करते हैं, जिसके साथ साथ संयुक्त परिवार भी था, क्योंकि कृषि के अंतर्गत एक व्यक्ति का कार्य असंभव था। ऐसी स्थिति में सभी लोग मिलकर काम करते थे और अपने क्षेत्र तक ही सीमित थे, तो यहाँ अपनापन और जाति का प्रभाव अधिक था। लेकिन औद्योगिकरण नगरीकरण ने संयुक्त परिवार को स्थापित किया है, विघटित किया है और एकांकी परिवार में बदल दिया है। धीरे धीरे एकांकी परिवार के प्रचलन से जाति व्यवस्था कमजोर हुई, क्योंकि संयुक्त परिवार सभी लोग मिलकर काम करते थे और अपने क्षेत्र तक ही सीमित थे, आना जाना घर तक ही था। ऐसी स्थिति लोगों से संपर्क न होने के कारण उनके मन के अंतर्गत जाति व्यवस्था फूट फूट के भरी हुई थी। अब यातायात के साधन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, संचार की व्यवस्था, पाश्चात्य शिक्षा ने संयुक्त परिवार को समाप्त किया, संयुक्त परिवार के स्थान पर एकांकी परिवार का विकास किया, जिससे धीरे धीरे जाति व्यवस्था, जाति प्रथा कम हुई। इसके साथ ही है स्त्री शिक्षा। प्राचीन समय में स्त्री को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, कि स्त्रियों का काम केवल घर तक ही सीमित था, बाहर का काम पुरुषों का था। ऐसी स्थिति में स्त्रियां अपने अधिकारों से वंचित थी। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुष उनका हर प्रकार से शोषण करते थे, जिसके मध्य वो जाति व्यवस्था भी और अधिक थी। लेकिन जैसे ही संयुक्त परिवार की समाप्ति और स्त्री शिक्षा का विकास हुआ, धीरे धीरे जाति व्यवस्था कमजोर होती चली। नए नए कानून के बाद विकास, स्वतंत्रता के बाद भारत तो में अनेक नए नए कानूनों का विस्तार किया गया, जो अधिकार व्यक्ति को वास्तविक थे नहीं मिल पाते थे, लेकिन शिक्षा के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में नए कानूनों का विकास किया, लोगों के मध्य जागरूकता आई। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे सारे अंधविश्वास, जाति व्यवस्था इत्यादि कमजोर होते चले गए। प्राचीन समय में कानून को कठोरता से पालन भी नहीं किया जाता, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लेकिन शिक्षा के द्वारा लोगों में जागरूकता आई, कानूनों का ज्ञान हुआ। उसी तरह से अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था समाप्त हुई। धार्मिक आंदोलन समय समय पर सामाजिक सुधारवादी आंदोलन, सामाजिक सुधारवादी विचारक, जाति, छुआछूत, विधवा विवाह, वाद विवाह इत्यादि के विरोध, ये सभी हमारे भारतीय समाज में कलंक थे। जितनी भी समस्याएं, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, ये हमारे भारतीय समाज के लिए कलंक थे। लेकिन इस शिक्षा के बाद धीरे धीरे ये सभी प्रथाएं समाप्त होती गई। इनमें एक सबसे प्रमुख जो समस्या थी वो जाति प्रथा थी। धार्मिक सुधारवादी आंदोलन या सुधारवादी आंदोलन जाति व्यवस्था की घोर निंदा की, समानता का अधिकार लाने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में भारतीय समाज की जाति व्यवस्था कमजोर हो गई। एक सबसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो मेन पॉइंट है वो है जाति प्रथा के साथ साथ जाति पंचायत। कि प्राचीन समय में राज्य का कोई उल्लेख नहीं था, समाज मजबूत था, जनसंख्या भी कम थी, सभी लोग समाज के नियम का पालन करते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज कमजोर होता गया, वैसे वैसे राज्य का विकास होता गया। कि समाज को नियंत्रण करने के लिए समाज की शक्ति जैसे ही कमजोर होती चली गई, वैसे राज्य की शक्ति में वृद्धि हो गई। उस हिसाब से समाज के नियम, कानून, प्रथाएं कमजोर होती गई।
इंडियन प्रथा के अंतर्गत एक बैठकी जाति पंचायत अर्थात जाति पंचायत एक जाति विशेष के लोगों द्वारा की गई पंचायत ही जाति पंचायत होती है। कि प्राचीन समय के अंतर्गत जाति पंचायत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी, ना तो कोई संविधान, ना तो कोई नियम था, ना कोई कोर्ट था, ना कोई कानून व्यवस्था थी। जो गांव के पांच लोग जो निर्णय करते थे वो महत्वपूर्ण माने जाते थे, इसलिए जाति पंचायत महत्वपूर्ण प्राचीन समय के अंतर्गत। लेकिन धीरे धीरे अब जाति पंचायत समाप्त होती चले, जैसे जाति पंचायत धीरे धीरे समाप्त हो गई वैसे वैसे भारतीय समाज जाति व्यवस्था भी कमजोर होती चले। तो इस प्रकार से ये है हमारे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक, कि वे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कमजोर हुई है, समाप्त हुई है, या जाति का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वे कारक निम्नलिखित हैं। तो नंबर वन है पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिम की शिक्षा। नंबर दूसरा औद्योगिकरण, औद्योगों का अधिक से अधिक विकास करना ही औद्योगिकरण। नगरीकरण, गांव के लोग गांव छोड़कर नगरों में जाकर बसना, नगरीय संस्कृति को अपनाना, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि करना नगरीकरण है। यातायात के साधनों का विकास, आवागमन के साधनों का विकास जिससे लोग आपस में एक दूसरे संपर्क कर सकें, इससे भी हमारी जाति प्रभावित होती है। संचार के साधन, सूचनाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के कारण लोगों में जागरूकता आई, समानता का प्रभाव का विकास हुआ, अस्पृश्यता कमजोर हुई, जिससे जाति में परिवर्तन आया। प्रजातंत्र, सभी लोगों को समानता का अधिकार, छुआछूत भेदभाव जातिवाद इत्यादि को छोड़कर समानता का अधिकार देना ही हमारी प्रजातंत्र है। धन का बढ़ता महत्व, कि प्राचीन समय के अंतर्गत धन का विकास नहीं था, लेकिन आधुनिक समय में व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति, अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, वो भी वैध रीति से, जिससे हमारे भारतीय समाज जाति कमजोर हुई है। यजमानी प्रथा, इसमें व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निःशुल्क सेवाएं देते थे, ऐसी स्थिति में यजमानी प्रथा पूर्णतः समाप्त कर दी गई है और धीरे धीरे जाति प्रथा समाप्त। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ एक ही निवास स्थान पर रहते थे, ऐसी स्थिति में औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा और धन के बढ़ते महत्व के कारण धीरे धीरे संयुक्त परिवार समाप्त हुआ, एक व्यक्ति परिवार का विकास हुआ, जिसके कारण जाति व्यवस्था कमजोर हुई। स्त्री शिक्षा, प्राचीन समय स्त्री को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके प्रति जागरूकता नहीं थी, इसलिए समाज भ्रष्ट था, जाति व्यवस्था अधिक थी, क्योंकि बच्चे के प्रथम पाठशाला उसका परिवार और परिवार में सबसे जो साधक महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो स्त्री की होती है, इसलिए स्त्री शिक्षा का विस्तार ही सामाजिक सुधार। नए कानून का विकास, स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में जो शोषित करने वाले जो कानून थे वो समाप्त कर दिए गए, नए नए कानून का विकास किया गया, जिसके कारण भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कमजोर हुई। धार्मिक आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक सुधारवादी आंदोलन समय समय पर अनेक समाज सुधारकों ने किए, जो समाज के अंदर कुछ कमजोरियां थीं, जो बुराइयां थीं, जो विकास में बाधक थीं, उनको समाप्त करके नए नए कानून का विकास किया, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद सेन, ज्योतिबा फुले, ऐसे महान क्रांतिकारियों का समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनकी वजह से जाति व्यवस्था प्रभावित हुई। और लास्ट जो है जाति पंचायत, आधुनिक युग में जाति पंचायत पूर्ण समाप्त है, जहां भी कुछ मात्रा में देखने को मिलती है, लेकिन जब राज्य मजबूत है तो जाति कमजोर होती है, समाज कमजोर होता है, और जब समाज मजबूत है तो राज्य कमजोर होता है। तो प्राचीन समय में समाज बहुत मजबूत था तो राज्य बिल्कुल लुप्त था, लेकिन धीरे धीरे समाज कमजोर होता गया, राज्य की शक्तियां बढ़ती गई, इसलिए जाति व्यवस्था में जाति पंचायत का ह्रास हुआ है और जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया। तो ये तो रहे हमारे सारे जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक। लेकिन लास्ट का जो है वो है कि